नवरात्रि में प्याज ना बाबा ना, माता रानी मुझे माफ करना, बिना प्याज के खाना बनाऊंगी वरना पाप मुझे चढ़ेगा, क्योंकि फास्ट मेरा है। दोनों माँ बेटी फास्ट तो रखती नहीं है, बस डिमांड करती है ये बना दे वो बना दे। बहुत ही भूखी है दोनों की दोनों। मुझे तो समझ नहीं आता भगवान को मानती भी है या नहीं। भाभी कौन नहीं मानता भगवान को, नाम बताओ उसका, घर से निकाल दूंगी घर से। नहीं दीदी वो तो टीवी में देखा था, वो बोल रही थी आपके लिए डोसा बना रही हूँ। टीवी कम देखा करो, हॉट डोसा मेरे लिए बना रही हूँ, मेरा फास्ट है, मम्मी के लिए बनाओ। आपका फास्ट है और क्या, सालों साल से सारे के सारे फास्ट रखती आ रही हूँ। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था आपका फास्ट है, इसलिए अब तो कम डोसा बनाने पड़ेंगे। मम्मी कह रही है उनके लिए 6 बना देना और आलू में थोड़ी हरी मिर्च काट दो, उनको चटपटा पसंद है। बनाती हूँ। अरे घुमाओ घुमाओ लग जाएगा। हाँ हाँ पता नहीं है। 6 डोसा पेट है या इंडिया गेट है? दोनों माँ बेटी जम के खाएंगी, मेरी बैंड बजाएगी, फास्ट में मुझे रेस्ट नहीं करने देती। क्या करूँ डोसा तो बन ही नहीं रहा है मुझसे। जैसा बन रहा वैसे ही बना दो, बोल दूंगी तवा खराब हो गया, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, यही बोल दूंगी। आज लाल फूल लगाऊं या सफेद फूल लगाऊं? अरे मम्मी ये क्या करते रहते हो, ये फूल वो फूल, पुल्लन देवी हो रहे हो बिल्कुल। तू चुप रह, तेरी माँ हूँ मैं, तमीज से बात कर। मम्मी आपसे मैं तमीज से तो बात कर रही हूँ, आपके लिए मैंने डोसा बनवा दिया है वहाँ पे। क्या? क्या? हाँ मम्मी तेरा तो फास्ट है। अरे मेरा है ना, आपका थोड़ी है, चटपटा सा बनवाया मैंने आपके लिए डोसा। चल चलो। अरे बैठो मम्मी, एक तो मैंने सारे फास्ट रख लिए हैं, ऊपर से आप मेरे सामने खाओगे। पुण्य भी तो तुझे ही मिलेगा बेटा, पुण्य के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी मिल जाए तो क्या बात हो जाए। मिलेगा मिलेगा बेटा, तुझे ही उस चुड़ैल को मिलेगा क्या? वही तो। दोनों की तो ना मेरी बुराई कर रही है लगता है। मम्मी जी अरे सांबर नहीं बनाया भाभी आपने? सांबर? हाँ। अरे बेटा इसे क्या पता इसके मेरी पसंद नापसंद, तुझे तो मेरी पसंद नापसंद सब पता है, जबकि तू यहाँ रहती भी नहीं है। क्या करें, खा लेती हूँ। भाभी सांबर नहीं बनाया आपने? बनाया ना दीदी। तो लाओ ना, कब लाओगी, चावल के साथ? बस मैं लाती हूँ। देखना दिमाग ही नहीं है, सांबर के साथ खाएंगे किसके साथ खाएंगे? सांबर भी चाहिए, मुझे लगा चावल के साथ हो जाएगा, इनके भी ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे लग रहा दोबारा कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मुझसे होती रहती है, ये तो हो ही गया है। दे देती हूँ लेकिन कम कम दूंगी, रात में भी यही खाना है, क्योंकि फास्ट में अपना खाना बना लूं या फिर इन लोगों का बना लूं। चटोरी जबान, लो मम्मी चटनी लो, चटनी भी अच्छी बनाती है ये तो। ये तो उनको चुड़ाने की ट्रिक थी। अरे बेटा एक तू ही तो मेरी हमदर्द है। हाँ मम्मी। और क्या करूं, मेरा बैंक बैलेंस हो। क्या क्या? अरे खाओ ना मम्मी, मेरा मन कर रहा है आपको देख के। सांभर तो आने दे, चटनी के साथ खाओ मिक्स करके। चल तू बोलती है तो खा लेती हूँ, कैसा खाओ। बना रखा है पता नहीं। मम्मी जी ये लीजिए। ला रख दे यहाँ पे। ये कैसा बनाया आपने, इसका तो कलर बड़ा ही डल है, उजाला ज्यादा कर दिया, हल्दी कम डाला करो। पानी भी नहीं आता, हल्दी डाल डाल के मुझे पीलिया कर देगी ये तो। हल्दी से कैसे पीलिया होता है? जवान लड़ा रही हो आप मम्मी से? देख तो बेटा कैसे जवान लड़ा रही है, तूने लड़ाई कभी अपनी सास से जवान? मैंने? तू क्या हंस रही है, निकल यहाँ से। 6 बोला है मैंने, 5 और बनाओ जाओ। हाँ दीदी जा ही रही थी। क्यों मेरे पे कैसे हंस रही है, मेरी सास का नाम मत लिया करो, उस बहरी को तो मैं इतना सुनाती हूँ सुनती नहीं कुछ। अरे बाप रे कितना खा रही है समझ ही नहीं आ रहा, 3 बना के दे दिए। बेटा बनाया तो बड़ा टेस्टी है इसने। हाँ पर मुंह पे तारीफ मत करना। कभी नहीं करूंगी मैं। हाँ खाओ खाओ, 3-4 और आ रहे हैं। 3-4 से क्या होगा, मुझे 6-7 चाहिए, पेट भर जाएगा। हाँ हाँ खाओ, बहुत टेस्टी हो रहा बेटा। खा खा के तोंद निकाल रही हूँ अपनी बस। क्या मेरे खाने की तारीफ कर रही है? जरूर इनको खाना पसंद आया है, मैं उधर पहुंच जाऊंगी ना तारीफ का टीनी निकालेंगी। कोई बात नहीं खाने दो इन्हें, पेट भरेगा तो चुप रहेंगी।